दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत के जाने के बाद से कंगना रनौत लगातार नेपोटिज्म पर बोलती रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने सुशांत की पीआर को सुशांत और अंकिता के ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल सुशांत के जाने के बाद संदीप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम से तीनों की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी थी। इसमें संदीप ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए लिखा था कि केवल अंकिता ही सुशांत को बचा सकती थी। तब इसे रिपोस्ट करते हुए रंगोली चंदेल ने सुशांत की पीआर टीम पर निशाना साधा था। रंगोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर रिपोस्ट करते हुए लिखा था, संदीप बहुत अच्छा लिखा है तुमने। सुशांत ने एक ऐसी पीआर टीम रखी थी जो मूवी माफिया के लिए काम करती थी। उसने सुशांत से कहा था कि तुम्हारा एक्साइटिंग पेयर होना चाहिए। यहाँ लोग इसलिए प्यार में नहीं पड़ते क्योंकि उन्हें प्यार है, बल्कि यहाँ सब कुछ ब्रांडिंग है। अपनी ब्रांड बनाओ, ये समय है जब तुम अपनी कमजोरी भूलकर रणवीर सिंह और रणबीर कपूर की तरह एक सुपर मॉडल को डेट करो या उसे जो फिल्मी बैकग्राउंड से आता हो। आगे उन्होंने कहा, उनसे कहा गया था कि मलाड में किसी टीवी एक्ट्रेस के साथ रहना तुम्हारी इमेज के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें बड़ी रेस का हिस्सा बनना है तो तुम्हें भी उन लोगों की तरह रहना होगा। वहाँ रहो जहाँ वो लोग रहते हैं, वरना तुम एक स्ट्रगलिंग टीवी एक्टर बनकर ही रह जाओगे। अंकिता और सुशांत ने एक घर खरीदा था दोस्तों, जिसे सुशांत ने छोड़ दिया। वो काफ़ी दुखी थी, मगर सुशांत की बैकबोन तोड़ दी गई थी। वो बांद्रा शिफ्ट हो गया, उसके आसपास नकली लोग थे। उसने सुपर मॉडल्स को डेट किया मगर वो खो गया। रंगोली ने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने इस बारे में अपनी एक कॉमन दोस्त से सुना था। आगे उन्होंने लिखा था, उसने जो कुछ भी किया उसके बावजूद उसे नहीं अपनाया गया, न उसे जीने दिया गया। उनकी स्ट्रेटेजी काम कर गई, नकली प्यार और दोस्त चले गए और वो अकेला और डिप्रेस हो गया। मौके मिलते ही उसे और मारा गया, घटिया गॉसिपिंग और बड़े बैन से आखिरकार वो छोड़ गया। काश नकली वादों और शो बिजनेस की अंधा करने वाली रोशनी को ब्लॉक किया जा सकता। काश किसी तरह से उस मिराज को ब्लॉक किया जा सकता जो मूवी माफिया टैलेंटेड आउटसाइडर को दिखाते हैं। तो इस तरह से कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने सुशांत और अंकिता के ब्रेकअप की वजह बताई थी, जो बहुत कम लोगों को ही पता है दोस्तों। काश कि सुशांत अपने दिल की सुनते और हमेशा अंकिता के साथ रहते तो आज अंकिता और विक्की जैन की नहीं बल्कि अंकिता और सुशांत की शादी हो रही होती। शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था क्योंकि जोड़ियां वहां से ही बनकर आती हैं दोस्तों। मगर कम से कम हम भगवान से ये प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि सुशांत को इंसाफ ज़रूर मिले, सुशांत के गुनहगारों को सज़ा ज़रूर मिले। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं।